तो दोस्तों टाटा स्टील ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी की ओर से एक अच्छा खासा डिविडेंड की अनाउंसमेंट की गई है इस क्वार्टर में। 3.60 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। तो टाटा क्रोस में दिया गया है, तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इवेंट जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 55,311 करोड़ के आसपास, पिछले साल 62,961 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 58,687 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने मिला है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मार्केट का ऑलरेडी अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिलेगी। जबकि साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी भी आपको देखने मिले। वहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट बोल सकते हैं वहाँ पे 5 से 6% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर हल्की सी तेजी है, साल दर साल हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिले। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है, 58,687 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू, जबकि बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट निकाले थे जिनमें से एक एवरेज जो अनुमान निकाला गया था वो था 58,490 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का जो एवरेज अनुमान था उसके आसपास ही कंपनी का रेवेन्यू आपको देखने वाला है, यानी कि आप कह सकते हैं कंपनी का जो रेवेन्यू है टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 53,351 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 59,918 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 56,496 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे भी ऑनलाइन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 522 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 1,566 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि अभी देखें तो गिर के 554 करोड़ के आसपास आपको देखने मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 65% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। हालांकि मार्केट अनुमान लगा के बैठा भी था कि कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्या अनुमान था मैं आगे बताता हूँ। जबकि क्वार्टर क्वार्टर देखते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 6% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। मैं आपको बता दूँ कंपनी ने शो कितना किया है, 554 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि जितने भी ब्रोकरेज बोर्ड थे सबका यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 875 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने मिला। तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे देखें तो थोड़ा सा कम आपको कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 42 पैसे के आसपास था, पिछले साल 1.40 रुपये, अभी देखें तो 49 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूं तो देखिए नंबर रेवेन्यू वाइज देखें तो कंपनी का नंबर टोटली इनलाइन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में थोड़ा सा ज़्यादा आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। जितना मार्केट का अनुमान था उससे थोड़ा सा ज़्यादा कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।